Hello everyone, welcome to Neetport. In the previous video we discussed about the hindbrain. Today in this video we will discuss about the spinal cord. So spinal cord is a long structure which is about 45 centimeter long. So it is 45 centimeter long. It weighs approximately 35 grams hota hai. Next, it is soft and whitish in color, whitish hota hai. Basically it extends from the lower part of the medulla to the lumbar region. So it extends, or we can say it starts from lower part of the medulla. ये lower part से extend होता है या start होता है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसका जो न्यूरल कैनाल होता है, उसके द्वारा ये या उससे होते हुए जाता है. सो इट रन्स थ्रू न्यूरल कैनाल के द्वारा रन होता है. एंड इट हैज टू swellings, or we can say कि upper cervical swelling and lower lumbar swelling. इसके अलावा अगर हम लोग spinal cord की बात करें तो इसको protect करने का काम basically meninges करते हैं. So protected by meninges के द्वारा ये protect किया जाता है. इसके अलावा जो spinal cord का lower part होता है, या यूं कह लें कि after जैसे हमने कहा कि ये start होता है lower medulla से और ये लगभग finish होता है to the conus, या यूं कह लें कि extends from medulla to conus medularis. Conus medularis. After that, conus medularis जो है, ये क्या हो जाता है? Non-nervous. ये non-nervous हो जाता है और ऐसे part को बोला जाता है phylum terminal, जो कि फैला होता है up to coccygeal region तक. कॉक्सिजियल रीजन तक ये एक्सटेंड किया हुआ रहता है. सो स्पाइनल कॉर्ड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी, जो कि लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, 35 ग्राम इसका वेट होता है. अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो जैसे कि हमने वर्टिब्रल कॉलम को जब डिस्कस किया था तो उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिमाग में रख के अगर इसको ड्रॉ किया जाता है, ये तो लगभग कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. ये कुछ इस टाइप से आगे चल के कर्वेचर बना रहा था. और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप से स्वेलिंग होती है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम. ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है और हमें पता है कि ब्रेन स्टेम कहते हैं, बेसिकली ब्रेन स्टेम कहते थे हम लोग पॉन्स मेड्यूला और मिड ब्रेन को मिला के ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज द ब्रेन स्टेम. और यहीं से अगर हम लोग बात करें तो
कुछ इस टाइप से ब्रेन पाया जाता है, लाइक इस तरह से ब्रेन पाया जाता है, और सेवरल सेगमेंट्स होते हैं ब्रेन में। जैसे कि हमें पता है कि ब्रेन का सेगमेंट कई, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब पाए जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से फिशर्स भी होते हैं, या सल्कस जिसे बोलते हैं हम लोग। सो दिस इज़ हाउ द ब्रेन इज़ प्रेजेंट। तो ये एक ब्रेन का पार्ट है, और यहीं से ब्रेन स्टेम निकलता है, और इस ब्रेन स्टेम्स के बाद थोड़ी सी स्वेलिंग पाई जाती है, लाइक दिस, ये स्वेलिंग पाई जाती है, और उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। सो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप से पाया जाता है, और दोनों तरफ जो वर्टिब्री पाया जाता है, बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम के, वो प्रेजेंट होता है। और हमने डिस्कस किया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होते हैं वो सर्वाइकल रीजन में 7, थोरैसिक रीजन में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कॉक्सिजियल में 1 होता है। सो अगर हम लोग बात करें तो इसके दोनों तरफ जो है ये कुछ सर्वाइकल वर्टिब्री पाए जाते हैं। मान लीजिए ये C1 है फर्स्ट, उसके बाद चूंकि 7 पाया जाता है 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यानी C7 यहाँ पे हुआ। और इसके बाद जो पाया जाता है, मैं इसे कोई अलग कलर से फिल कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। लेट्स से दिस इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसके दोनों तरफ सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं, एंड द सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन नंबर। सो दिस इज द पार्ट, इसके दोनों तरफ पाया जाता है ये, लाइक दिस। कुछ इस टाइप्स। तो सर्वाइकल रीजन में 7 होते हैं, लेकिन इसी से जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये 7 सेगमेंटेड एरिया से ही दोनों तरफ रेस्पेक्टिव एरिया में पाया जाता है। यानी सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं कुछ इस टाइप से निकलते हैं, दीज आर दी स्पाइनल नर्व्स। सो दीज आर स्पाइनल नर्व्स। चूंकि सर्वाइकल रीजन में पाया जाता है इसे, तो इसीलिए बोला जाता है इसमें सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। इसके जो संख्या होती है टोटल वो 8 होती है, क्योंकि 7 तो यूं हो गए, उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थोरैसिक रीजन पाया जाता है, जिसमें कि हमें अगर याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका फॉर्मूला, C7, TH12, L5, S5 and O, यानी कॉक्सिजियल में 1। तो C7 हो गया और उसके बाद 12। सो दिस इज द टर्मिनल, या यू कैन सॉरी थोरैसिक पार्ट को T1 कर देते हैं, T1, उसके बाद T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. सो ये 12 है, ये T12, और इसको मैं भी अलग कलर से कर देता हूँ, जैसे कि ताकि ये क्लियर विजिबल हो। तो थोरैसिक रीजन में जो वर्टिब्री होते हैं वो 12 होते हैं, और उस 12 जो थोरैसिक वर्टिब्री होते हैं उसी में से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पे भी जो नर्व्स निकलेंगी लाइक दिस, दीज आर दी
स्पाइनल नर्व्स, चूंकि ये पाया जाता है थोरैसिक रीजन में, तो थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, और थोरैसिक रीजन में 12 होता है, सो 12 स्पाइनल नर्व्स भी होंगे। इसके बाद जो पाया जाता है फॉर्मूला देखें, L5 यानी L1 अगर हम लोग देखें और ये L2, तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो है बिल्कुल एक्सटेंड होता है, या यूं कह लें कि जो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ था और फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेड्यूला एंड इट एंड्स टू द, इसे बोलते हैं कोनस, कोनस मेड्यूलैरिस, मेड्यूलैरिस, ये कोनस मेड्यूलैरिस के साथ या कोनस मेड्यूलैरिस तक एक्सटेंड होता है। सो L1 एंड L2 और उसके बाद L3, और यहाँ से जो पाया जाता है वो कुछ इस टाइप से नैरो 5, L5 हो गया, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और कॉक्सिजल लास्ट में, सो दिस इज द S1, और इस टाइप से पाया जाता है, यहाँ इधर भी पाया जाएगा। कुछ इस टाइप से डायग्राम पाया जाता है, लाइक दिस, और स्पाइनल नर्व्स जो है वो दोनों तरफ पाए जाते हैं, दोनों तरफ पाया जाता है। अभी मैंने एक तरफ बनाया है, सो मान लीजिए इधर भी है ये। ये जो लास्ट पार्ट है इसे बोला जाता है फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल, और इस रीजन को बोला जाता है कॉर्डा, कॉर्डा इक्विना, ये कुछ इस टाइप से होता है, एंड द लास्ट वन इज द कॉक्सियल पार्ट होता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो प्रत्येक सेगमेंट से अराइज होता है, तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट होता है वो 31 हो जाता है, क्योंकि जो C1 के नीचे से भी निकलता है, एक ऊपर से भी निकलता है, इसीलिए अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो C8 हो जाएगा, TH12, L5 एंड S5 एंड CU, तो 12, 20, 25, 30 एंड 1 कॉक्सिजल, तो टोटल जो सेगमेंट होता है वो हो जाता है 31 के अराउंड में। और जैसे अभी हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, या यू कह लें C1 से लेके जो L1 है वहाँ तक फैला होता है। और दो चीज़ें हमने और कही थी कि दो स्वाइलिंग होती है, एक स्वाइलिंग तो यहाँ दिखती है, इसे बोला जाता है सर्वाइकल स्वाइलिंग, एंड द लास्ट वन इज लंबर स्वाइलिंग। So this is how the spinal cord looks like, which starts from the lower part of the medulla and finishes at the conus medullaris. After that, the portion becomes non-nervous, which is also known as the phylum terminal. In the next video, we will discuss about the transverse section of the spinal cord. If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.